और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। 3 दिन का है उनका ये दिल्ली दौरा और इस दौरान नायब सैनी केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कल नीति आयोग और मुख्यमंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रविवार को भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे और कल से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक होगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी ये 2 दिनों की बैठक। अहम अपडेट आपको दे रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे के हवाले से। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे आज सीएम सैनी। आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद 2 दिन तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हैं तमाम जानकारियां लेकर। अनिल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे, आज कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात है, फिर उसके बाद 2 दिन तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। जान सकते हैं अनिल, पूरा शेड्यूल क्या रहेगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इन 3 दिनों के दौरान दिल्ली में? देखिए मुमताज, मुख्यमंत्री नायब सैनी के अगर कार्यक्रम की बात करें, मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी वो शाम तक साफ हो जाएगा। फिर कल और परसों मुख्यमंत्री नायब सैनी की महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में होनी है। कल एक तो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे। नीति आयोग की बैठक में जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। जो नीति आयोग की जो एक काउंसिल की बैठक होगी, इसमें हरियाणा की किस तरीके इसकी प्लानिंग रहने वाली है, हरियाणा की केंद्र से क्या कुछ अपेक्षा है उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। फिर मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होनी है, 2 दिवसीय बैठक कल और परसों 2 दिन चलेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक चलेगी, फिर शाम को मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। रविवार को भी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की जो बैठक होनी है उस बैठक में शिरकत करेंगे। यानी कि ये बैठक काफी अहम है। अब हरियाणा में भी चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री के तमाम दौरों पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। अनिल, जान सकते हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठकें होने जा रही हैं उसका मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक है। अमूमन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं संबोधित करते हैं। किस तरीके से आगामी रोड मैप रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होती है। ये बैठक इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हरियाणा एक चुनावी राज्य है। महाराष्ट्र के भी जो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है, वो भी मौजूद रहेंगे। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जो चुनावी राज्य है, उनको लेकर इन बैठकों में खास तौर से चर्चा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अनिल आपके जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया।